इसलिए गुरु की सेवा विषम्भ रूप से होनी चाहिए। विषम्भ होने के लिए हमको उसी लाइन पर पहुंचना होगा, उसी स्टेज पर पहुंचना होगा जिसमें गुरुदेव हैं। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के समान बनना पड़ेगा, तो गुरु की सेवा करने के लिए भी गुरु के विचारों के निकटतम होना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं। इसलिए अदेव होकर के देवता की जैसे पूजा नहीं कर किया जाता, ऐसे गुरु के विचारों को समझे बिना गुरु जी की सेवा भी नहीं होगी। इसलिए वैसे भी संभव रूप से यदि सेवा की जाए तो गुरु प्रसन्न होने पर, और जो चाहते हैं भाव सागर से तरना, जैसे सवेरे ये सब बच्चे कर रहे थे, कोई मोक्ष के लिए, कोई वैकुंठ के लिए, कोई द्वारका के लिए, कोई कुछ चाहते हैं, कोई सुवर्ष धाम का अनुगत्य के लिए, कोई जसुदा नंद बाबा के अनुगत्य के लिए, कोई सखियों के अनुगत्य के, और हम लोग के गुरु वर्ग क्या चाहते हैं, रूप गोस्वामी के चरणों की धूलि की सेवा की प्राप्ति के लिए, ये सबसे बढ़कर की चीज है। क्या प्रपाद रूप पदाम बोझ धूलि जन्म निजन। मैं समझता हूँ कि राधा कृष्ण की सेवा की प्रार्थना की अपेक्षा भी जीव स्वरूप के लिए यही सबसे सुंदर और उत्तम ये अभिलाषा है। इससे बढ़कर के और कोई अभिलाषा नहीं हो सकती।